नमस्कार, मैं हूं शिवान्य ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनफी न्यूज। किशनी थाना क्षेत्र के किसान आवारा गौवंश के आतंक से बेहद परेशान हैं। किसानों ने खेतों में अस्थाई टेंट लगा लिए हैं और 24 घंटे खेतों में पहरा दे रहे हैं। किसान शेष करण ने बताया कि उन लोगों की अधिकांश फसल आवारा गायों की वजह से बर्बाद हो चुकी है और अब वे लोग बची हुई फसल की रखवाली कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की रिपोर्ट। किसनी क्षेत्र में किसान आवारा गोवंश के आतंक से बेहद परेशान हैं। किसानों ने खेत में अस्थायी टेंट लगा लिए हैं और 24 घंटे खेतों में पहरा दे रहे हैं। क्षेत्र में किसान आवारा गायों से परेशान होकर अपने बर्बादी पर रो रहे हैं। नगला दलप के खेतों में किसानों ने अस्थायी टेंट तान लिए हैं। किसान चंद्रबान सिंह ने बताया कि आवारा गायों ने उनके खेत का काफ़ी नुकसान कर दिया, जिससे परेशान होकर उन्होंने खेत में टेंट लगा लिया। वर्तमान में नगला दलप गाँव के आसपास एक सैकड़ा किसानों ने खेतों में टेंट लगा लिए हैं। किसान अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं। किसान शेष करण ने बताया कि उन लोगों को अधिकांश फसल आवारा गायों से बर्बाद हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष कुमार है। तो आपने खेतों में टेंट लगवाया है, तो उसका क्या रुकते हैं आप यहाँ? टेंट इसलिए लगवाया, यहाँ रुकते हैं 24 घंटा कोई ना कोई यहाँ बना रहता है, हम बने या फिर और कोई, मतलब यहाँ रहता जरूर है, क्योंकि 24 घंटे में कभी भी घर पे जाते हैं तो गाय तुरंत आ जाती हैं और गायों की संख्या ज़्यादा हो गई है, जैसे 100 या 50 का झुंड आता है और अगर 10 मिनट के लिए भी आ जाता है तो लगभग 1-2 बीघा खेत तुरंत खा जाती हैं। आप लोगों ने ड्यूटी बांध रखी है? हाँ, ड्यूटी बांध रखी, मतलब एक आदमी यहाँ परमानेंट रहेगा। कभी कभार ना होने पर गाय नुकसान कर जाती होंगी? होने पर तुरंत गाय आती हैं और खा जाती हैं गेहूं। क्या नाम है आपका? चंद्रवान सिंह। तो आपने ये खेत में चंद्रवान जी वो बनाया है टेंट, ये टेम्परेरी टेंट आपने क्यों बनाया? टेम्परेरी गायन कुमार है। तो क्या रात में आप लेटते हैं? रात में, पूरी रात। तो गायों की क्या समस्या है बताओ आप? बहुत विचित्र समस्या, जैसे 50-50, 100-100 गाय आती है इकट्ठी। तो रात भर आप यहीं सोते हैं? रात भर यहीं, रात क्या रात, दिन पूरे दिन और पूरी रात। थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं।